नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। और इसमें हम लोग थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है, इन द सेंस पाकिस्तान में जो आजकल चल रहा है और उसका इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा फ्यूचर में, और इंडिया के आगे बढ़ने में क्या उसका हाथ हो सकता है पाकिस्तान में जो भी घटनाएं घट रही हैं, तो उसके बारे में हम बात करें। तो सबसे पहले तो आप लोगों को न्यूज़ पता ही होगा कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ हैं, और उनके जो विपक्ष में हैं इमरान खान, जो कि पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अभी वो अपोजिशन में हैं और वो लॉन्ग मार्च निकालते रहते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। और देखिए दोस्तों, आप बोलेंगे कि पाकिस्तान के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान एक तरह से एक साथ ही एक ही थी। बाद में 1947 में वो हम दोनों आज़ाद हुए, तो उन्होंने अपना देश एक हमारे देश से टूट के चला गया। हालांकि 1971 में एक और देश बना, बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान का ही भाग था। तो तब से क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया की एक होड़ चल रही है जो कि 1947 से चल रही है, और काफ़ी हद तक 1980, 85 तक, 90 तक आप लेंगे तो उसमें पाकिस्तान काफ़ी हद तक इंडिया को मैच करता था। लेकिन जब 1991 की जब हमारी उदारीकरण की नीति जब आई, जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उसके बाद से फिर भारत की जो तरक्की हुई तो पाकिस्तान काफ़ी पीछे छूट गया। लेकिन तभी भी पाकिस्तान का एक है कि वो हमेशा इंडिया से होड़ करता रहता है, चाहे जैसे कि परमाणु बम हम लोगों ने बनाया था, उन्होंने भी बनाया, उसके बाद से हथियारों के होड़ में भी भारत के पास पहले तो उतने पैसे नहीं थे। भारत की प्राइमरी जो थी कि भारत की गरीबी दूर की जाए, हथियारों पर उतना खर्चा नहीं होते थे। लेकिन अभी आजकल आप देख रहे होंगे कि भारत की इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ रही है, हथियारों पर खर्चा भी कर रहे हैं, बाहर से भी खरीद रहे हैं, अंदर भी बना रहे हैं, तो अभी पाकिस्तान के पास उस तरह का कुछ भी नहीं है कि वो इस तरह से मैच कर पाए। ठीक है, ये तो रही आपकी ऐतिहासिक पक्ष की क्यों हम लोगों को बात करना चाहिए। और जैसे देखिए दोस्तों कि जब पाकिस्तान की बात होती है तो दुश्मनी की बात होती है, लड़ाई की बात होती है, इस तरह की बात होती है, क्योंकि बहुत सारे लड़ाई जंगे हमने लड़ी हुई है, कश्मीर अभी भी सुलझा नहीं है। लेकिन देखिए आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कि पाकिस्तान की जो वर्तमान की नहीं, आज तक की जो सिस्टम है, वहाँ का जो गवर्निंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसको कुछ लोग हाइब्रिड सिस्टम भी बोलते हैं, जहाँ पे एक सिविलियन गवर्नमेंट को लाया तो जाता है, वोटिंग तो होती है, लेकिन एक्चुअली उनके पास पावर नहीं होता। आर्मी जो होती है वही पावरफुल होती है और वही सारे डिसीजंस लेती है। तो पहले ये छुप छुप के होता था, लेकिन अभी इमरान खान के आने के बाद से ये जग जाहिर है, वो रोज़ उस पर बहस होती है। अभी तो स्थिति इस तरह से चल रही है कि इमरान खान एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिशियन है, उनकी पीटीआई जो पार्टी है वो बात करती है, और दूसरी तरफ उनकी फ़ौज को आके, आईएसआई जो उनकी है, उनको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है कि नहीं, वो जो बंदा है वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि पास्ट में भी, बीते समय में भी ऐसा ही काफ़ी बार हुआ है पाकिस्तान में कि लोगों को, पॉलिटिशियंस को, प्रधानमंत्री को गोली मार दिया जाता था। जैसे लियाकत अली खान के पहले प्रधानमंत्री थे, उनको गोली मार दिया गया, आज तक पता नहीं चला। फिर बेनज़ीर भुट्टो का बहुत बड़ा आया था कि उनको गोली मार दिया गया, फिर किसी को पता नहीं चला। तो असैसिनेशंस वहाँ पे होती हैं, जैसे इमरान खान पे 2 दिन पहले हुआ था अटैक। अभी काफ़ी सारे न्यूज़ हैं कि वो अटैक सही था, गलत था, या फिर क्या खुद उन्होंने करवाया था, या फिर फ़ौज ने मारना चाहा था। क्योंकि आप जब वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें केवल पिस्टल ही नहीं था, उसमें AK-47 या फिर ऑटोमेटिक गन्स हैं, उसका भी उन पे आवाज़ सुना जा सकता है। तो देखिए, हम ये बात करना चाहते हैं कि इमरान खान की जो अभी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, कि वो चेंज चाहते हैं, वो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी जिसको हम बोल सकते हैं आम भाषा में, तो अभी तो लोग यही कह रहे हैं कि इमरान खान प्रधानमंत्री बनना चाहता है, इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन देखिए दोस्तों, केवल इतना ही नहीं है, इमरान खान यदि ऐसे करके प्रधानमंत्री बनता है तो उससे क्या होगा कि एक आवाम जो बोलते हैं, आम जनता की सुप्रीमेसी कायम होगी, क्योंकि
क्योंकि भारत से दुश्मनी का मेन रीज़न क्या है पाकिस्तान का, वहाँ की फ़ौज है, क्योंकि वहाँ की फ़ौज आपको पता ही होगा बहुत करप्ट है, पूरी इंडस्ट्री पाकिस्तान में वही चलाते हैं, और वो कश्मीर को जिंदा रखना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि जो भी बजट पाकिस्तान का आता है तो मैक्सिमम पाकिस्तानी आर्मी ले जाती है, उसके बाद से जो बचता है वहाँ के लोगों को मिलता है। लेकिन देखिए, यदि पाकिस्तान में और भारत में रिश्ते सुधरने हैं भविष्य में, तो वो तभी हो सकता है कि जब एक पूर्णतः लोकतांत्रिक सरकार पाकिस्तान में आए। तो वो देखिए, इस इमरान खान के इस अभी जो भी चीज़ें हो रहे हैं और उससे एक लोकतांत्रिक सरकार से गहरा संबंध है। कैसे गहरा संबंध है मैं आपको बताता हूँ कि यदि सपोज इमरान खान प्रधानमंत्री बनता है, तो वो इस तरह पे बन रहा है कि वो आर्मी को या फिर जो भी अदारे हैं उनको, अदारे उनको उनके भाषा में जो बोलते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको बोलते हैं, उनको वो हरा के एक तरह से उनको नीचा दिखा के लोगों के नज़र में लोगों को बड़ा दिखा के, आर्मी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर दिखा के वो एक आ रहा है सत्ता में। यदि सत्ता में आता है तो हम ये मान सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि वो लोकतंत्र के लिए, भले ही वो प्रधानमंत्री के तौर पे भले कुछ करे या नहीं करे, वो हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक तरह से एक लोकतंत्र की, आवाम की सत्ता जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो कि छोटे छोटे अदारे हैं, जिसको वो लोग अभी वो सिविलियन गवर्नमेंट के टॉप पाकिस्तान में रहते हैं, जैसे वहाँ की फ़ौज हो गई, वहाँ की खुफिया एजेंसीज हो गई, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट्स के ऊपर भी रहते हैं, तो लॉ ऑफ वहाँ पे उस तरह का नहीं है। क्योंकि यदि आज कोई कैबिनेट में या फिर वहाँ की सरकार को डिसीजन लेती है, तो आर्मी चाहे तो वो एक सेकंड में बदल सकती है, और आर्मी यदि कोई डिसीजन लेना चाहे तो वहाँ की सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन इसकी यदि आप देखेंगे कोई बाहरी दुनिया में कोई भी ऐसा लोकतंत्र हो, तो वहाँ का इंस्टीट्यूशंस जो है, मैं आपको भारत का ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ। भारत में जो भारत की फ़ौज है, आपको पता है कि वो सबसे बड़ी फ़ौज है, चीन के बाद दूसरी सबसे लार्जेस्ट फ़ौज है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो सरकार से ऊपर है। फ़ौज जो है वो सरकार के नियंत्रण में है, सरकार जो बोलेगी वो फ़ौज करेगी। फ़ौज किसी भी का कोई पॉलिटिकल विंग ऐसा करके नहीं है कि नहीं वो कभी भी उठ खड़े होंगे और बोलेंगे कि नहीं हम टैंक दौड़ा देंगे रास्ते में और फिर लोगों को ये कर देंगे, ऐसा भारत के इतिहास में आज तक हुआ नहीं है। भारत में जो इमरजेंसी लगा हुई है तो वो भारत की सरकार ने खुद लगाया हुआ है, इंदिरा गांधी ने जब लगाया था, तो आर्मी ने आके कोई भी इमरजेंसी इस तरह से टेक ओवर नहीं किया। जबकि पाकिस्तान में आपको पता है कि अक्सर वहाँ पे जो भी आर्मी हेड होता है आके अपना सरकार ले लेता है, तानाशाही करना स्टार्ट कर देता है, फिर वो सब चले जाते हैं। तो पहले पाकिस्तान में ये था कि अफगानिस्तान में अमेरिका की युद्ध चलती थी, तो पाकिस्तान एक ऐसे जगह पे है कि वहाँ पे जाने के लिए लोगों को पाकिस्तान का वो लेना पड़ता था, सहारा लेना पड़ता था, वो रूट लेना पड़ता था, तो पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे आते थे जिसके वजह से उसकी इकॉनमी चलती थी। अभी इकॉनमी अमेरिका के जाने के बाद से, अफगानिस्तान से, यहाँ की इकॉनमी तो कुछ है नहीं। तो भारत के नज़रिए से देखा जाए तो इमरान खान की जो मूवमेंट है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो एक आम जनता लोकतंत्र, एक्चुअल में लोकतंत्र स्थापित करेगा यदि वो सफल होते हैं तो। लेकिन वहाँ पे पहले होते थे कि कोई भी आगे बढ़ के नहीं बोल सकता था, फ़ौज के खिलाफ़ कोई कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि पाकिस्तान की इतिहास ही पूरी इस तरह से बताई गई है, पूरी तरह से झूठी है वो, आप कहीं पे भी आप देख सकते हो। उनको कभी भी नहीं बताया जाता कि वो लोग कभी हारे हैं, उनको ये बताया जाता कि वो सबसे सुप्रीम है, उनसे आगे कोई नहीं है, वो सबसे बड़े हैं और उन्होंने कभी कोई जंग हारी नहीं है, तो इस तरह से उनको पूरा बताया गया। लेकिन इमरान खान के आने के बाद भले ही वो अमेरिका को लगा रहे हैं कि अमेरिका ने ये किया है, लेकिन अभी जो है डायरेक्टली वो फ़ौज पे अटैक कर रहे हैं, अपने ISI पे अटैक कर रहे हैं, उन्होंने तो इनफैक्ट पूरी जनता को बोल दिया है कि अभी फ़ौज को निकालना ही है। तो एक तरह से भले पाकिस्तान में आंतरिक जो भी होता है वो तो भारत की सिक्योरिटी एजेंसियाँ देख ही रही होंगी, लेकिन मेरा मानना यही है कि यदि इमरान खान सफल होते हैं तो वो इस नज़रिया से, कि नहीं कि इमरान खान एक व्यक्ति सफल हुआ है, वो इस नज़रिया से होगा कि एक लोकतंत्र जो कि जिसमें आम जनता का वर्चस्व ज़्यादा हो, उसके अदारों के ऊपर जो सारे अदारों को अपने कंट्रोल में रख सके,
वैसा कानून बनाया जा सके, कोई रोके नहीं, तो उस तरह इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि पाकिस्तान में एक अच्छा लोकतंत्र, जैसे आप कहीं पर भी आसपास देख लो, कहीं पर भी लोकतंत्र है। अभी मान लीजिए चाइना में लोकतंत्र तो कभी हो ही नहीं सकता, बांग्लादेश में लोकतंत्र है, भले ही वहाँ की दूसरी पार्टी है, कुछ रेडिकल्स है, लेकिन लोकतंत्र, और लोकतंत्र का उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। आप भले ही देखो अमेरिका का, देखो अमेरिका का प्रॉब्लम किससे है, चीन से है, रशिया से है, ये सब लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि देखो लोकतंत्र में आपको पता भी है कि जनता के हाथ में होता है। अभी फ्रांस में, इटली में, इटली में आप देख लीजिए किस तरह से सरकार वहाँ की फार राइट जो है मोहतरमा, उन वो जाके वहाँ की हेड बनी हुई है। तो लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें स्टार्टिंग से ही स्टेबलाइज्ड हैं, हम लोग पीपल ओरिएंटेड रहे हैं, तो वो जो स्टार्टिंग में जो बीज बोए गए थे अभी वो सामने निकल रहे हैं। तो हमें जैस आगे बढ़ने के लिए, ग्लोबल लीडर बनने के लिए, तो ये तो अनिवार्य है कि हमारी जो इंडो पैसिफिक में जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो उन देशों के साथ तो हमारे संबंध अच्छे रहने चाहिए। तो यदि पाकिस्तान में एक लोकतंत्र है जो कि हाइब्रिड मॉडल में है, और यदि कोई लोकतंत्र का बंदा, आम इंसान यदि उसको लोकतंत्र में बदलता है, तो मैं तो यही समझूंगा कि भारत के लिए तो काफ़ी अच्छा होगा ये, कि वहाँ पे फौज यदि आम आदमी के कंट्रोल में आती है, तो फिर आप लोकतंत्र से लोकतंत्र की जो बातें हैं वो भी हो सकती हैं, आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है वो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो दोनों के लिए अच्छा ही होगा। तो दोस्तों मैं यही देख रहा था, बाहर सब काफ़ी सारे लोग इंडिया में सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये इमरान खान जो कर रहा है वो भारत के लिए अच्छा है, लेकिन वो दूसरे एंगल से देख रहे हैं कि नहीं ये फ़ौज को हिला दिया, गिरा दिया। लेकिन मेरा दूसरे तरह का मानना है कि यदि इमरान खान सफल होते हैं तो वो एक लोकतंत्र की जीत होगी, भले ही वो एज अ पर्सन वो कुछ नहीं कर पाए, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग आते रहेंगे। एक बार यदि सुप्रीमेसी, पीपल सुप्रीमेसी स्थापित हो जाए किसी देश में और लोग उसको कंटिन्यू करते रहें, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पे भी एक अच्छी लोकतंत्र स्थापित हो पाएगी। और हम तो कहेंगे, चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित हो, जिससे भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।